धमाल मचाने वाले। चम चम भाग रही थी दरवाजे में गिर गई। आप अच्छे लग रही हो। एहसास हो गया कि इतनी बड़ी फैमिली तो है मेरी। जब तू एंट्री करेगी ना तो अपनी सीटों पे बैठ जाइए। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल मजे हैं। भैया आज का दिन बहुत ही ज्यादा खास है। आज 26 तारीख और हमारे पारस भैया भी तैयारी कर रहे हैं। पारस भैया शादी के लिए तैयार कब हो गए? मैं जब आप हो गए। हाँ, तो रात को काफी लेट हो गई, 6 बजे सोए थे हम। तो भैया सुबह से हमारे जो पापा जी हैं वो घूम रहे चिपकन को लेके। रख लो ना आप थोड़ी देर। अरे हम लोग, अरे कोई बात नहीं, आपका बच्चा। अरे आप मेरे तो है बच्चा, आप इसको सुलाओ। आप उठा नहीं रहे इसको? नहीं हम उठा नहीं रहे, आप सुला दो। हाँ भाई चिपकन, शादी में चलना है? शादी में ले चलो तेरे को, सब भाग जाएंगे तेरे को देख के। तो भैया आज है पायल मैडम दुल्हन बनने वाली है, क्या बात है, क्या बात। बेटे कब उठे हो? अभी अभी, दो घंटे पहले। क्या हुआ? अभी बज रही है 1 बज रहे, 12 बज रहे। 26 तारीख 1 बजे उठी है दुल्हन, पापा यहाँ बैठे हैं, सभी भाई यहाँ हैं। क्या बात है, 1 बजे देखो मम्मी पापा की फोटो भी दिखा दी से बांधे थे ना। हमने तो नाश्ता भी कर लिया है, बिल्कुल रेडी हो गए, तैयार हो गए। तो आज का व्लॉग होने वाला बहुत ज्यादा जबरदस्त, बिल्कुल मिस मत करना, धमाल मचाने वाले। क्या बोलते हो? धमाल धमाल है ना आज तो, बिल्कुल धमाल मचेगा, बिल्कुल फुल धमाल है ना भाई। हाँ बिल्कुल। तो भैया काकी उठ गई है हमारी, नींद आई? हाँ बहुत अच्छे से। दिल लग गया था आज? हाँ, हम रात बातें करी पड़ते हैं, हमने ना 2 बजे बातें करना स्टार्ट किया, मैंने पास ने, और कब 4-4:30 बजे पता ही नहीं चलो। आप भी तो 5-6 बजे सोई हो, सारे लेट सोए ना आपको भाई। अरे भैया वेन्यू कर दिया रिवील, कैसा लग रहा है? भैया मैं बता रहा हूँ रात को ना इतनी भीड़ हो जाएगी ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी चीज कर दिया। तो भैया देखो मैंने दिया था वचन कि जो हमारे सब्सक्राइबर है प्यारे प्यारे उनको बुलाना है, और बस किया वो मैंने। और देख रहे हो ये भैया जो हमारे कह रहे थे बहुत भीड़ हो जाएगी, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी। कोई बात नहीं यार, सब आएंगे। हाँ लेकिन अच्छा लगेगा, तुम सब आओगे हमारे साथ तो अच्छा लगेगा। इसको जिमी को नहला के रेडी करना है ना। अच्छा, इसको सूखने में टाइम लगेगा ना। क्या बात है जिमी। तो भैया सुबह सुबह हमारी बहन जी आ गई है, और क्या बात है सपना। सिर में दर्द हो रहा है ना? हाँ मैं भी सोऊंगा, मेरे सिर में दर्द है, मैं आराम से सो जा, है ना, 4 बजे तक सो जा। तो भैया ये धूले का खाना है सुबह का, क्या बात है, शांति। ले चलो अंदर। पारस भैया खा लो, प्यार बढ़ते साथ करने से। मैं खा रहा हूँ, डर लग रहा है। अरे नहीं कुछ नहीं कहता, देखो कितना प्यारा, बहुत ही अच्छा बच्चा ये। जबरदस्ती नहीं करूंगी चिपकन के साथ। भैया शादी की खुशी में लोग मोटे होते हैं, लड़की पतली हो गई है ना, हो गई ना, मुझे लग रहा 4-5 किलो गया है। खुशी में हुई है गम में? खुशी में हुई हूँ, शादी हुई है। क्या बात है पाल, पता क्यों हुई है तू पतली? क्योंकि तेरे को लहंगा पहनना था। अगर यही डेडिकेशन तेरी ये हो ना कि मुझे गाने के लिए पतला होना है, तो माशाल्लाह। वैसे भी माशाल्लाह तो मेरी दो दो माशाल्लाह, एक देखो माशाल्लाह सुभान अल्लाह। पारस के लिए मैंने खुद दाल बनाई, खुद चपाती बनाई है। झूठ है, झूठ है। अच्छा ये बता दे, अच्छा घर में फंक्शन है और मैं कितना फ्री हूँ ये बता। बिल्कुल फ्री हो लगता है, पूरा टाइम फ्री हो, बस सॉन्ग के बाद से भैया फ्री है कल से। दादा ये मेरे पास भेज दो ना। दादा ये बताइए इतना फ्री होता है कोई? नहीं बहुत ज्यादा फ्री हो, बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे हो आप। पालो थोड़ी देर सो रहा हूँ, सो जाओ। मैं तो सो गई, मैं फिर ना स्टेज पे ज्यादा देर रह नहीं पाऊंगा, फिर नींद आ रही है। मैं काम करती हूं, इस सब बच्चा पार्टी जितने भी सबको ऊपर ट्रांसफर करते हो, सब बोलते हो कि हमारी सेरेमनी तो ऊपर ही है। ठीक है आप आराम से रेस्ट करो, आपका काम वैसे भी आपको पता है पूरी रात जागना है आप दोनों को। ऐसे तो मुझे भी जागना है, सब जागेंगे। अरे हमें स्टेज पे खड़ा होना ना पूरा, तुम्हें तो स्टेज पे ऐसे फेरे लेने हैं। पूरे फंक्शन में लड़का गायब रहता है, पता है क्यों रहता है? या तो फोन में होता है पायल, सो रहा होता है पायल। कृतिका लव यू, संदीप पापा आई लव यू। तू ये बताइए कहाँ होता है? पूरे फंक्शन में दिखता नहीं, बच्चों के साथ खेलता है। बच्चों के साथ खेलता है, फंक्शन में क्यों नहीं दिखता ये? क्योंकि पूरे फंक्शन में सो रहा होता है या तो खेल रहा होता है। पारस चाचू कैसे कर रहे अंदर? इतने गंदे फ्राटे लेता है पारस। हाँ? मैं यही कह रही थी अभी, किसी इन भैया को कहती कि वो खराटे लेंगे तो अरमान भैया कैसे सोएंगे? अरमान भैया तो कीड़ी की आवाज में भी सोते, मैं तो अलग सो जाऊंगा अभी। सो जाओ। हाँ। जिमी को ना शादी में तू ही घुमाइयो, ठीक है? किसी और को दे या नहीं? पापा वो किसका? ये वो जाता है जिमी को रख के, वो वाला वो कहते उसको कंगी, रस्सी रस्सी। हाँ रस्सी नहीं बांधते तो छोटा सा, इसको थोड़ी होती है जरूरत है। भैया आज बहुत ही जबरदस्त खुशी का दिन है, पायल आज कह रही है मैं डांस करूं, तो सो जा थोड़ी देर। चम चम नचती पिया कोई शहरी बाबू दिल रे बाबू हाय रे, बाबू तो यही है। पगपान गया घुंघरू मैं चम चम नचती पिया, वो घड़ी आ गई आ गई। आराम से बच्चे सो जाएं अंदर। तो भैया बस
मिलते ही जगह तो सरप्राइज के साथ। भैया हमारी जो पूजा जी हैं तो काफ़ी खर्चा कर दिया, लड़की ने मना किया था मत किया करो, क्योंकि देखो आप आते हो प्यार है यही काफ़ी है, और ये कब समझेंगे समझ नहीं आ रहा। ये वेडिंग गिफ्ट है पायल का और गोलू का तो साथ में होता ही है। अच्छा तो क्या क्या ये वाले हैं पायल के, ये मैंने अलग अलग डिजाइन लाई हूँ ताकि दोनों चेंज करके पहन सके, तो सेम नहीं लिए। ये गोलू के हैं, ये गोलू के हैं। क्या हुआ फोन पे बात करते करते मैंने 3-4 बार नहीं बताया। किसके किससे बात कर रही है पता नहीं। अब रेडी क्यों नहीं हो ये बताओ तक। पापा बहुत सारे काम है ना, उस सारे काम मैं तो संभाल रहा हूँ। क्या क्या काम संभाल रहे? कभी मैं लिफ्ट से ऊपर जा रहा, कभी सीढ़ी से नीचे जा रहा, कभी मतलब शादी के सारे काम तू ही संभाल रहा है क्या? अच्छा अच्छा इसलिए मैं आराम कर रहा हूँ। तो जबरदस्त पराठे खा रही है लड़की। नहीं मेरे लिए नहीं है। किसके लिए? अनुज भैया के लिए, वो ऊपर एडिटिंग कर रहे हैं ना तो। ठीक है ठीक है ले जा। किसी के पास शांति का नंबर है? शांति शांति से कुछ लेगा। चीकू के पास है, चीकू के पास है, चाचू के पास है। लोग पता कमेंट सेक्शन में क्या बोल रहे हैं, नितिन और गुड्डू दोनों चश्मिश हैं, इन दोनों की शादी कर दो। ये वो होते हैं, ये वो जाहिल लोग होते हैं जिनके पास दिमाग होता ही नहीं है, वो कुछ भी बोल सकते हैं किसी के बारे में भी, मतलब जाहिल तो जाहिल। दीपक हीरो लग रहा है। क्या बात है दीपक, मेरा फेस काला हो रहा था, पानी सूट नहीं कर रहा मुझे चंडीगढ़ का। फिर स्मार्ट लग रहा है। बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं भाई दीपक की, कि सबको स्मार्ट बनाने में दीपक का आता, और दीपक का जो मेकअप है चुटकियों में, ये तो तारीफ है दीपक की। भाई ये और ये कौन है मैं बता देता हूँ, जो गोलू और पाए जो डिज़ाइनिंग कपड़े जो पहनते हैं और जिनको टैग करते हैं, इनका जिक्र इतना होता है मेरे घर में, मैं पहली बार इनसे मिला हूँ और ये खुद अपनी तारीफ करेंगे। आपका नाम बता दो कौन हो। मैं लस्टर बैगुंजन हूँ, आपने देखा ही होगा। बेटा दो गाने सुना दो। मेरे पास है, मैं दूंगा चल। हमारे सामने श्रेया जी, हमारी बड़ी बहन भी बोल सकते हो, माँ भी बोल सकते हो, है ना भैया? तो कुछ हो जाए दो लाइन किस लिए क्या बोलना है? कुछ भी बहुत इंजॉय, हाँ बहुत इंजॉय करे 3-4 दिन से, जैसे कि हमारे घर होता था। मैं इनको बोला कि होटल में चले जाओ भैया, यहाँ मत रुको, पर ये कह रहे हैं हम यही रुकने रात भर। नहीं होटल होटल में नहीं जाना, वो होटल में जाना तो फिर होटल में रहते हैं। शादी का एंजॉय वही आता है कि सबसे मतलब थोड़ा सा डांस करना, एंजॉय करना, ये माहौल अच्छा लगता है मुझे, कि एक परिवार का सा फील होता है कि हाँ इधर की भी कुछ, यहाँ पे कुछ लोग बात करे, इधर हम आपस में मिलने जुलने तो आए ना, होटल में एक रूम में बंद होने नहीं आए, तो मुझे तो यही माहौल चाहिए हमेशा। तो सुबह से एक ही गाना गा रहा है बेटा, ऐसे क्या बात हुई? शांति ने तेरे चाय नहीं पिलाई? तो पायल थोड़ी सी सपना इमोशनल थी। नहीं नहीं कुछ नहीं, हमारी बड़ी बहन नहीं आई आज, हमारी भाभी भी नहीं आई। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि तुम्हारे अच्छे टाइम में नहीं आएंगे और बुरे टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आपको बुखार है, खांसी, आपको पूछने वाले है ना भैया। बहुत ही खूबसूरत मंगलसूत्र है ये, पहनने के बाद दिखेगा शायद, मेरे कैमरे में नहीं दिख रहा होगा। और क्या कहना चाहते हो कुछ? हाँ ये देख रही हूँ मैं, हम दोनों के इयररिंग्स। अच्छा दो लाइनें सुना दो फिर पापा, कोई गाना सुना। हर चीज लाइटें के साथ आ रही है, तो सारे डब्बे तू रख लेगा। तो दो लाइनें सुना फटाफट। शांति का नंबर है किसी के पास, शांति का नंबर है। शांति नंबर दे भाई इसको, शांति जा बुला रही है जा। तेरे को ना बिल्कुल अकल नाम की चीज नहीं है ना। अपने अब गिर गई मैं, देखियो ये सारे हाथ फुड़वा के आई है इधर, दिखाइयो। लोग ये सोचेंगे कि मारा होगा। नहीं अभी अभी मैं ऐसे जा रही थी ऊपर, ऐसे से करके दरवाजे के अंदर गिर गई, भाग रही थी दरवाजे में गिर गई। कॉमन सेंस भी तो कोई चीज होती है, तेरा तो ना आँख खराब ही रहती है 24 घंटे। पता नहीं मुझे थोड़ी तेज लग जाती है, ये निशान हो जाएंगे अभी, देखियो बहुत गंदी लगेगी। ये देखियो सारे निशान होने वाले हैं, ये देखिए सारे निशान होने वाले हैं, दफड़ से होगा। तो भैया पारस ठकराल उठ गया है हमारा काका, और आप जो सोए भी नहीं हो। अरे यार मैं नहीं सोया क्योंकि जिम्मेवारियां इतनी हैं, मैं देख रहा हूँ रात से जाग भी रहे हो। तो गाइस आज मैं मिलवाने वाला हूँ आपको बहुत ही खतरनाक एक्टर से जिनका नाम है शिवानी। तो शिवानी को आप कौन कौन जानते हो कमेंट करना, और शिवानी एक डायलॉग हो जाए। हाय फ्रेंड ना, हम अरमान मलिक भैया की शादी में दोबारा आए हैं, पहले तो पता ना है बुलाना। नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी बहन पहुंची है और सपोर्ट करते हैं यार, बहुत मेहनती है और अपना नाम खुद बनाया है, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, क्या बोलते हो? सही कहा बताएं हम तो भैया। भैया हमारे छोटे भाई भी साथ में आए हैं, और भाई की एक
ये समझ लो ये हिस्टोरिकल शादी होने वाली है जिसको लाखों करोड़ों लोग देखने वाले हैं। तो ये हमारे पारस भाई बताएंगे कि कैसा लग रहा है। बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन जो आपने वेन्यू लीक करा है ना उसके हिसाब से ये भी छोटा रहेगा रात को। कोई बात नहीं, देखो क्या ना प्यार है मोहब्बत है सबसे। और अभी से सब्सक्राइबर आने शुरू हो गए, पीछे तो आ भी गए हैं। और अभी रात के टाइम बहुत ही जबरदस्त सेटअप है। खुश हूँ मैं यार कि पायल खुश है, बस कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। अपने बच्चों को जो खुश रखेगा ना वो जिंदगी में, फैमिली को जो खुश रखेगा वो सदा सुख रहेगा। चीकू को हम खेलते हुए ले आए और चीकू बहुत नाराज है। और ये है मनोज भाई और ये जो हमारा यहाँ का पूरा सेटअप है। और बाजी कहाँ पर ये बता दो थोड़ा सा। ये शहरोन रिजॉर्ट है और ये अपना पटियाला जीरकपुर हाईवे पे है। पायल क्या हो रहा है? ऑटोग्राफ ले रहे हैं, मेरा पहला लाइफ का ऑटोग्राफ है। और किसने लिया? आप भी दे दो। अरे नहीं नहीं भैया, पायल दे दे, पायल ने दे दिया, हमने दे दिया, बराबर है। बाकी मैं दे देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि ईगो नहीं है, पर ये कि पायल ही मेरे सब कुछ है ना। तो अभी मेरा जो हेयर स्टाइल है वो स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद मैं मेकअप करा रही हूँ क्योंकि मेरे को सारे गेस्ट को अटेंड करना है। पायल की एंट्री लेट है, पायल आराम से आ जाएगी। तो आज मेरा जो मेकअप और हेयर स्टाइल करने वाले हैं उनसे मिलवा देती हूँ आपको। और उनका पेज कौन सा है, मैंने कहाँ से बुलाया है वो भी बता देती हूँ। मैंने दिल्ली से बुलाया है स्पेशली मेरी वेडिंग के मेकअप के लिए। माई सेल्फ नेहा भामरी और मेरा जो पेज है वो है नेहा भामरी मेकओवर्स। तो आज जो भी मेरा मेकअप होगा, जो भी लुक होगा, वो यही क्रिएट करने वाले हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं उन भैया को बुला रही हूँ, कॉफ़ी पीनी है, वो देख नहीं रहे हैं और नीचे जाने का मन नहीं कर रहा मेरा। तो मैं सोच रही हूँ नंबर है। तो ये मेरा हो रहा है हेयर स्टाइल और हेयर स्टाइलिश भी मैंने स्पेशली दिल्ली से मंगाए हैं। इनका इंस्टाग्राम पेज ये बता देंगे। आई एम वंश भामरी, मेरा इंस्टाग्राम पेज है हेयर हब बाय वंश भामरी। तो यहाँ पे मेरा मेकअप चल रहा है और मैं आंखें नहीं खोल सकती, अभी आई मेकअप स्टार्ट हुई जी। तो मेरा भी आई मेकअप स्टार्ट हो रहा है। हेयर स्टाइल वो पीछे से डन हो गया, बस आगे से बन रहा है। और उसके बाद मैंने फ्लावर्स मंगा लिए, मेरे हेयर स्टाइल में लगेंगे रोज, रेड रोज और कौन से जिप्सी फ्लावर्स। तो अभी भी मेरा आई मेकअप हो रहा है पिछले 15 मिनट से। और मेरे सामने मेरा खाना रखा है। ये यहाँ पे चीकू है जिसको सोने के लिए भेजा है और ये सो नहीं रहा है। हाँ भाई चीकू, हाँ। क्यों नहीं सो रहे आप? हाँ सो रहा, नहीं सो तो नहीं रहे आप भैया। तो यहाँ मैंने स्नेहा को भी बुला लिया है, मैंने कहा वहाँ तंग होगी यहीं आ जा, इतने अच्छे मेकअप आर्टिस्ट है आप, मैं और कृतिका दीदी। तो यहाँ गोलू का पूरा मेकअप जो है डन होने वाला है, मेरा नंबर आने वाला है। अच्छा, स्नैक्स कब शुरू होंगे? पता नहीं मुझे, भूख इसको भूख लग रही है, इसलिए थोड़ा सा राइस बॉल खाया है पर मैंने कुछ भी नहीं खाया। मैंने सिर्फ 3 चम्मच चावल खाए थे, उसके बाद मुझे इतनी गंदी खांसी हुई थी ना। सुबह परांठे खाए तूने? हाफ परांठा खाया है। तो यहाँ पे जो है वो पूरा सामान फैला हुआ है, पूरा सामान। मैं पूरा रेडी हो गई हूँ, मेरे साथ दोबारा से परफेक्ट हो गया। सारे फंक्शनों के अंदर मेरी जो हाइट है उसकी वजह से बहुत परेशान हुई हूँ। हल्दी में मेरी साड़ी छोटी थी, मेहंदी के अंदर मैंने पुराने कपड़े पहने क्योंकि मेरा जो नया लहंगा था वो छोटा था। मैं और शादी वाले दिन भी मेरे को लहंगा सही है बट मैं घर से ये हील लेकर आई थी। तो जब मैं हील पहन रही हूँ ना तो मेरी जो ड्रेस है वो इतनी छोटी हो रही है, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अपनी हाइट से। मन तो कर रहा है 2-2 इंच कट जाऊँ नीचे से, बट अब मैं क्या करूँ। अब भैया को बोल रही हूँ या रीत को बोल रही हूँ मेरी चप्पल लेके आओ। मैं ऑलमोस्ट हो गई हूँ रेडी, बस मेरी बिंदी रह गई है और आईज का भी मस्कारा रह गया है, सॉरी मेकअप और मेरी ज्वेलरी रह गई है। तो गाइस ये अपना नॉर्मल लुक है, अभी शेरवानी पहन ली। मैं सोचा हूं अभी मेरे फैन आए हैं उनसे मिल लेता हूं। आ जाओ। अल्लाह माशाल्लाह, कैसे लग रहे हो आप? अच्छे लग रहे हो। अंदर तो दुल्हन का चेहरा हम देख लें। दुल्हन ने अभी लहंगा पहन लिया है, दुल्हन ने ऊपर का पहन लिया है, दुल्हन लहंगा पहन रही है। बहुत खूबसूरत लग रहे हो माशाल्लाह। अच्छा लग रहा भैया, बहुत अच्छा। सही में बिल्कुल सिंपल सोबर, बहुत अच्छी जोड़ी। बोल करीना कपूर लग रही हूं क्या? अरे ना कर रहे फैला। मैं नहीं भाभी, आप लग रहे हो, आप कुछ नहीं लग रहे हो, आप लग रहे हो। थैंक यू भैया। कोई कर्ज दिए रूम आया एक सोना तू लगदा ओ मेनू तू चारे तू माया जीवा ओ कर तू ओ हो सखिया
नमस्ते आदाब, और उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग यहाँ पहुँचे, और एहसास हो गया कि इतनी बड़ी फैमिली तो है मेरी। और बहुत दूर दूर से आए हैं बहुत लोग, और सबको दिल से धन्यवाद हाथ जोड़ के, और बहुत दुआएं हैं आपकी जो मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। मतलब वॉइस नहीं है मेरे पास, अब ज़्यादा बोलूँगा तो रो भी पड़ूँगा। तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच आप यहाँ तक पहुँचे मेरे पास, और आपकी दुआएं हैं जो आज इस खुशी में इतने सारे लोग एक साथ, मतलब कमाल है। एक जबरदस्त हमारा गाना आया था, वो आपको हम सुनाएंगे जबरदस्त अंदाज में। हमें दुल भाई मुझे 6 फुट का था गोरा गोरा, अरियाणे का छैल सा छोरा। शोर मचा के बताएं कि आप यहाँ पे बजाए थे जोर से। चारा थारी माँ। अच्छा, हरियाणा से कौन कौन आए हमारे से? फिर भी शोर पैक, मतलब मेरे को क्या लगा था कि मैं आऊंगी शादी में सबसे पूछूंगी, हाँ जी आपने खाना खाया ये वो, नहीं पूछ सकती मैं 5 मिनट के लिए गई हूँ, इतनी भीड़। मैं तो सोच रही मैं अभी रेडी हो गई, नीचे घूमघाम के आती हूँ। तू नहीं घूम सकती ऐसे। तो अभी मैं बस रेडी हो गई हूँ, मैं अपना दुपट्टा ले लेती हूँ, मैं जाती हूँ नीचे अपने चाहने वालों के बीच में जाती हूँ, उनको अपना लुक दिखा के आती हूँ। मैं कैसी लगी? बहुत भीड़ है, बस इंतजार में ही हूँ, वेट कर रहे हैं, बस मेरा वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। कैसी लगी बेटा? अच्छी लग रही हूँ, हम इसके झूठे झूठ रही हूँ भैया। नितिन भाई आ चुके, पब्लिक बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है नीचे तुम्हारा, बहुत ज्यादा अभी पहचानने नहीं आ रहे यहाँ पे ऐसे। ओके अभी और कितना वेट करोगे पब्लिक को? पता नहीं ये लोग करवाएंगे वेट। भाई पब्लिक बहुत इंतजार कर रही है, पब्लिक का क्या रिएक्शन है? भैया बहुत मजा आया सब नीचे घूम के, मैं अभी गाड़ी में भी घूम के। अब पायल की जो एंट्री होने वाली ना, वो इतनी धमाकेदार इतनी मजेदार एंट्री होने वाली है। पायल मुझे कह रही बोलू मैं भी नीचे चलू, मैं भी चलू। नहीं अभी नहीं, जब तू एंट्री करेगी ना तो हमने नीचे अनाउंसमेंट करके आई, जैसे पायल एंट्री करेगी ना तो 1 लाख नीचे लोग हैं, तो सारे लोग ना एक ही बात बोलेंगे 1 लाख लोग। हाँ, पायल 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 बाहर तक है ना, बहुत ज्यादा है। मेरी कैसी देख, मेरी दूर तक समझ गई है, मैं समझ गई यार, समझती नहीं है जहाँ तक मेरी नजर गई। ठीक से गिना नहीं, 2 लाख है भैया। चीकू को ढूंढना ना मुश्किल हो रखा है, पैन के बीच में खोया हुआ फूल, आधा घंटा हो गया मुझे उसे ढूंढते। अरमान भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद, आज हम आए और इतनी अरमान भाई की खुशियों में शामिल होने, थैंक यू सो मच। ये जो दिल ठंडा हुआ ना, अब थोड़ी वार्तालाप होगी। आ जाओ भाई, जान मेरा भाई तो देखो फिट जाते हैं। अरे भाई सब ठीक ठाक हो? अरे भाई एक्साइटमेंट में पूरे रास्ते, हमने दिल्ली से ही सेलिब्रेशन शुरू कर दिया था, नाचते डांस करते हुए आए हैं। कर रहे हैं कि कैसे, वैसे आधा एक लुक देख चुकी हूँ पायल का, बट अच्छा। पूरा रिवील होना बाकी अभी, जैसे वाली शादी वाली फीलिंग आ रही है। आओ मुकेश इनाय जी, इस मौके पे बहुत प्यारा सॉन्ग इनाय साहब, पायल मलिक, इंदिरा मलिक, बहुत बहुत मुबारक, और चीकू की तैयारी। चीकू बहुत ज्यादा, मैं खुद वेट कर रही थी, ये देखो अभी दिखा रहे हैं, अभी दिखा दी बताओ। Oh, my God.
वन शॉट होना है उसमें हमें क्या है मैं अपने जो फैंस हैं उनके साथ फोटो खिंचवा रही हूँ अभी मैं व्यस्त हूँ बाद में बात करती हूँ। तो सबसे पहले सबका हाथ जोड़ के थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पहुँचे और फोटो जिनको खिंचवानी है आप ले सकते हैं और उसके बाद आप अपने अपने घरों में जा सकते हो आराम से। फैन आपके बहुत तगड़े भाई हरियाणवी इंडस्ट्री में जिसका मैं फैन हूँ ना वही आदमी। अरे सर मतलब ये मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में बड़ी बड़ी मूवियों की डबिंग इनकी मिलेगी हरियाणा में। वैसे तो ये एक्टर हैं बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर हैं और इस चीज़ के गवाह हमारे दादा हैं और इनको तो देखो कौन नहीं जानता। ऐसा कोई गाना नहीं है जिनमें इन्होंने बाप का किरदार ना निभाया हो और हमारी जिंदगी असल बाप भी हैं भाई। अरमान को आज मेरी तरफ से बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। खतरनाक देखो भैया ये एंकर है ये पोल खोल देती है फटाफट। कुछ कहना चाहोगे साड़ी जनता? बस तुसी सारे बहुत खुश रहो, loads of love and lots of happiness to you and to your family from my family. हम एक ही गाड़ी से आए थोड़े दिन बाद ना परमानेंट में मिलूंगा वहीं पे पंचों पे जो हमने डॉग फार्म का बोला था वो शुरू करना है। अब बस ये एक जिम्मेवारी दीपायल की हमने पूरी की। भाई आपकी शादी में इतना मजा आया, आप इसी तरीके से अपनी शादी को रिन्यू करते रहे बार 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 भैया इनको मौके फुल मिलेंगे एक दो है ना रिन्यू करते रहे तो ऐसा लग सबका तो नहीं हो सकता। जिंदगी में एक चीज ध्यान रखो उनके लिए करो जो तुम्हारे लिए सुबह उठ के चाय बनाते हैं। बस जैसे कि गुलदस्ते की तरह खिलते रहो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, खुशियां बांटो लोगों को, जिस तरीके से एंटरटेन भी करते हो अपनी फैमिली को भी इतना एंजॉयफुल बना रखा है, इंस्पिरेशन हो आप लोग। लंदन से रिटू जी तो भैया अब धमाकेदार गाने आने वाले भाई के पीछे छुपे हुए हैं। देखो ये रे ये इंसान छुपा हुआ है, छुपा रुस्तम में वैसे ये धमाके करता है। भाई गाने वाला है पहले गाना ना उसकी तैयारी चल रही है। वो हो गया कंप्लीट, बस अभी शादी होने के बाद 10 दिन में धमाकेदार गाने देने वाले हैं। वो थक गए बस अब फेरे बाकी रह गए, फेरों के बाद और एक दो टेक और हैं, फिर डोली का फिर घर जाए था बुरा लो। चीकू हमारी जान खा रहा खाना और बस कुछ वर्ड ब्राइड और ग्रूम को बिल्कुल भूख नहीं है तो हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं, हम लोगों को देख के हम लोगों का पेट भर गया। तो मेरा और गोलू का खाना हो गया, अब हम जा रहे हैं अरमान जी के पास क्योंकि उनके बिना हमारा दिल नहीं लगता है, हम जा रहे हैं। क्या बोलूँ पेट भर गया, इतना खा लिया मैंने अभी तक तो, आप बोले भूख लग रही है, कितना खा लिया, कितना टेस्टी, कुछ तो खिला दो, अब तो खा लिया, कुछ तो खिला दो, क्या भूख के मारो, कैसे कुछ बोला था आपने? लोग खा के जब खड़े हो आपका पेट भर गया जब आपने कुछ नहीं कुछ बोला था आपने, आप बोलो, आपने बोला था कि भूख के मारोगे क्या कुछ? नहीं नहीं खा लिया फिर मैंने। अच्छा बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, बहुत मज़ा आ गया मेरे को खाना खाने में, भूख की थी ना भूख में और भी ज़्यादा अच्छा लगा। मेरा मन कर रहा है पायल को देख के कि मैं भी दोबारा शेखर के साथ शादी कर रही हूँ। किसके साथ? ओ भाई के साथ। सुन तो पहले इधर पहले इधर पहले इधर पापा मम्मी कहाँ? और नितिन चाचू आज तो भूल गया बिल्कुल, नितिन चाचू को है ना कहाँ है? Thank you.